विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीतामृतम विश्वरूप दर्शन योग नामक 11वें अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें भगवान के क्रूर और भयावह भयानक विश्वरूप का दर्शन करके अर्जुन डर गया था और डर के मारे भगवान की स्तुति किया और स्तुति करते करते अंत में कहा कि अदिष्ट पूर्वम हृष्टोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रभितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देव जगन्निवास। हे देव, यह मैंने जो रूप आपका देखा अदृष्ट पूर्व, पहले कभी नहीं देखा था ऐसा रूप का दर्शन करके हर्षितोऽस्मि, हर्षित हुई हूँ, खुश भी हूँ, प्रसन्न भी हूँ कि आज जिस दर्शन के लिए बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े देव आदि लालायित रहते हैं, उन सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के विराट स्वरूप का दर्शन हमने किया और वो हमारे सखा के रूप में नित्य विद्यमान हैं, इस बात को लेकर हर्षित भी हो। और मैं मन भयन प्रव्यथितम, और मेरा मैं भय से प्रव्यथित भी हो रहा है, भय से व्याकुल हो रहा हूँ, क्योंकि ऐसा भयावह भयानक रूप देख लिया कि डर भी लग रहा है। इसलिए हे विश्वरूप, मैं तदेव रूपम दर्शय, वही रूप हमको दिखाइए जो वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में जो आपका शरीर है, जो मेरे सखा के रूप में आप हैं, सारथी के रूप में हैं, वही मनुष्य रूप वाला रूप दिखाइए, क्योंकि ये रूप भयानक मेरे से देखने से मेरा मन व्यथित हो गया है, मैं डर गया। इसलिए कृपा करके प्रसीद प्रसन्न होइए और प्रसन्न होकर के वही रूप दिखाइए। कौन सा रूप? तो कहा श्लोक संख्या 46 में, किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वाम द्रष्टमहं तथैव, इच्छामि त्वाम द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। कराय कि अहम तवैव त्वाम किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम, वही मुकुटधारी हाथ में चक्र लिए गदा लिए जो स्वरूप सौम्य स्वरूप था, हे चतुर्भुज वही स्वरूप सौम्य स्वरूप हमको दिखाइए। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन, हे चतुर्भुज या चतुर्भुज रूप में वसुदेव पुत्र रूप में जो आपका चतुर्भुज स्वरूप है, उसी स्वरूप में आप आ जाइए, हमें भय हो रहा है। इसलिए हे सहस्रबाहो, हे विश्वमूर्ते संबोधन है, हे हजार बाहों वाले, अनंत बाहों वाले, हे विश्व स्वरूप भगवान, आप वही रूप दिखाइए जिससे मैं, मेरा मन व्याकुल जो हो रहा है वो शांत हो जाए, मैं भयभीत हो गया हूँ, इसलिए पुनः उसी रूप में आ जाइए। तब भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान वाच, मया प्रसन्ने न तवार्जुनेदं रूपं परम दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनंतमाद्यं यन्मे त्वदन्नेन न दृष्टपूर्वम्। कह रहे हैं भगवान की, हे अर्जुन, प्रसन्नेन मया आत्मयोगात इदं मे परम तेजोमयम आद्यम अनंतम विश्वम रूपम तव दर्शितम। कि हे अर्जुन, आप से प्रसन्न होकर के मैं प्रसन्नता पूर्वक, अनुग्रह पूर्वक मेरे द्वारा अपनी आत्मयोगात यानी कि अपनी माया शक्ति के योग से, माया शक्ति के बल से, मेरे प्रसन्नता से, अनुग्रह से, जो भी समझिए, ये जो इदम में रूपम विश्व रूपम, ये जो मेरा विश्व रूप कैसा है, अनादि और अनंत है और समस्त जगत का आदि है, अनंत है, इसका कहीं अंत नहीं है। ऐसा मैंने जो आपको विश्व रूप दिखाया, मैं आप पे अनुग्रह करके दिखाया,
प्रसन्न होकर दिखाया आपसे और आपने ये विश्वरूप तौदर्शितम देखा, इसलिए यत तदन्येन न दृष्ट पूर्वक, क्योंकि यह रूप आपसे पहले किसी ने नहीं देखा। अन्येन त्वद अन्येन, तुमसे पूर्व, तुमसे अन्य भिन्न किसी के द्वारा ये रूप देखा नहीं गया, इसलिए अदृष्ट पूर्व है। यह रूप कैसा है? अदृष्ट पूर्व, जो कभी नहीं देखा, पिछले जो श्लोक में कहा अदृष्ट पूर्वक। तो ऐसा स्वरूप को तुमने देखा, और यह स्वरूप कैसा है, क्यों नहीं देखा अन्य ने, अन्य के द्वारा यह देखा जाने वाला जो रूप है यह बहुत ही दुर्लभ है, वह रूप तुमने दर्शन किया, क्यों किया दर्शन, क्यों अन्यों के लिए वह दुर्लभ है? तो आगे भगवान कह रहे हैं, न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैहि न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहम् निर्लोके द्रष्टुम् त्वदन्येन कुरुप्रवीर। भगवान कह रहे हैं कि हे कुरुप्रवीर, हे अर्जुन, निर्लोके यानी कि नरलोक में, इस मनुष्य लोक में, एवं रूपः अहम् न, इस प्रकार से जो मेरा रूप है, न वेद अध्ययनैहि न दानैहि न क्रियाभिहि न उग्र तपोभिहि, मेरा जो ये रूप है वह रूप इस मनुष्य लोक में किसी भी प्रकार से वेद्य नहीं है, जानने योग्य नहीं है, देखने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा ये रूप न वेद के अध्ययन से प्राप्त हो सकता है, बड़े बड़े वेद पाठ करने से, वेद पाठी हो, वेदज्ञ ब्राह्मण हो, ऐसे वेद पढ़ने से भी, वेद अध्ययन ही, वेद अध्ययन से भी यह रूप नहीं देख सकता कोई व्यक्ति। और नहीं कह रहे हैं कि यज्ञ अध्ययन ही, वेद अध्ययन ही, यज्ञ अध्ययन ही, दोनों के साथ अध्ययन शब्द का अन्वय होगा, वेद के अध्ययन से ही ये मेरा रूप नहीं देखा जा सकता, और नहीं यज्ञ के अध्ययन से, यानी कि बड़े बड़े वेद के पंडित होने से, और यज्ञ के बड़े बड़े विद्वान यानी कि मीमांसक, मीमांसा शास्त्र यज्ञ से संबंधित बड़ा शास्त्र कहलाता है, ऐसे मीमांसक होने से भी मेरे इस स्वरूप को कोई देख नहीं सकता, यानी कि कितना भी वेद पढ़ ले, कितना भी शास्त्र पढ़ ले, ऐसे अध्ययन से ये मेरा रूप देखने योग्य नहीं, नहीं देखा जा सकता। न दान ही, बड़े बड़े दानों से भी, स्वर्ण दान, हिरण्य दान, गोदान, भूदान, किसी भी प्रकार के दान से ये स्वरूप मेरा नहीं जाना जा सकता। न दान ही, न क्रिया भी, न विभिन्न प्रकार के कर्मकांड, अग्निहोत्र आदि विभिन्न कर्मकांड करे, यज्ञ करे, तो किसी प्रकार के यज्ञ अग्निहोत्र से ये मेरा स्वरूप कोई देख नहीं सकता। न क्रिया भी, न उग्र ही तपो भी, न किसी प्रकार के कठोर तप से ये मेरा स्वरूप देखा जा सकता है। कठोर तप होते हैं, चांद्रायण आदि उग्र व्रत करने पड़ते हैं, कृच्छ्र चांद्रायण आदि जो तप हैं, उपवास हैं, उपवास के द्वारा तप किया जाता है, और उन तप के द्वारा भी, किसी प्रकार के उपवास तप आदि के द्वारा मेरा ये स्वरूप देखने योग्य नहीं है, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी उग्र तप के द्वारा नहीं देखा जा सकता। इसलिए त्वद अन्येन द्रष्टुम शक्य है, इसलिए तुमसे अतिरिक्त और कोई देखने में समर्थ नहीं है, क्योंकि बाकी लोग मेरे को प्रसन्न करने के लिए सब कर्मकांड अपनाते हैं, कोई वेद अध्ययन करता है, कोई यज्ञ का अध्ययन करता है, कोई दान देता है, कोई विभिन्न प्रकार के कर्मकांड करता है, कोई उग्र तप करता है, क्योंकि इनके द्वारा मैं प्राप्त होने वाला नहीं, इसलिए तुम्हारे अतिरिक्त और कोई कर नहीं सकता, क्यों नहीं कर सकता? तो उसके बाद भगवान कह रहे हैं, देखिए, माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमिदृङ्ममेदम् व्यपेत भी प्रीत मन पुनस्व तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। भगवान करें, ये संजय उवाच लिख दिया है, इसको काट दीजिए, संजय उवाच आगे से 50वें संख्या से, श्लोक संख्या 50वें से संजय कह रहा है, अभी ये जो 49 नंबर श्लोक भगवान का ही है, भगवान ही कह रहे हैं, वो गलत छप गया ऊपर, उसको काट कर नीचे लिख दिए संजय उवाच। तो कह रहे हैं भगवान की, माते व्यथा माच विमूढ़ भाव दृष्ट्वा रूपम घोरमिदम मिद्रिगम ममेदम, कह रहे कि मम इद्रिक इदम घोरम रूपम दृष्ट्वा ते व्यथा मा, कह रहे कि मेरा ये रूप देख करके, इस प्रकार के भयानक रूप देख करके तुम डरो मत, भगवान आश्वासन दे रहे हैं कि तुम डरो मत, मा व्यथा, तुम व्यथित मत होवो, भयभीत मत हो, डरो मत, व्याकुल मत होवो,
इस प्रकार के विकराल रूप को दे करके तुम तुम्हें व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। और नच विमूढ़ भाव, और भी ऐसे मोहित होने की जरूरत नहीं है, विमूढ़ भाव होने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें व्यथित होने की भी जरूरत नहीं है, भयभीत होने की भी जरूरत नहीं है। मा त्वम व्यपेत अभी, तुम भय रहित हो जाओ। माँ तुम और तुम्हें जो है भयभीत होने की जरूरत है, तुम भय रहित हो जाओ, किसी भी प्रकार के मोह मत करो, डरो मत, व्याकुल मत हो। क्यों? क्योंकि प्रीत मनाह, क्योंकि तुम प्रीत मन वाले हो, इसी कारण से तुम देख पाते हो, अन्य नहीं देख पाते, क्योंकि प्रीत मन वाले नहीं है, उनमें भक्ति नहीं है, प्रीति नहीं है, समर्पण नहीं है। इस कारण से अहंकार में आकर के, ममत्व की भावना से अहंकार में आकर के वो तप क्रिया इत्यादि करते हैं, समर्पण नहीं होता भगवान के प्रति। मैं ये कर लूंगा, मैं इस तप के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लूंगा, किसी भी मनुष्य के किसी भी प्रकार के क्रिया के द्वारा, कर्म के द्वारा भगवान प्राप्त अभी नहीं, भगवान तो बस कृपा से ही प्राप्त हो सकते हैं। भगवान कृपा कर दें, और कृपा करते हैं प्रेम के वशीभूत होकर के, भक्त के प्रेम से जब भगवान रिझ जाते हैं तब वह कृपा करके अपना स्वरूप विस्तार कर देते हैं। और इसलिए जो किसी भी प्रकार के कर्म तप आदि करते हैं वो अहंकार पूर्वक करते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर लूँगा, मैं इतना उपवास करूँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतना दान दूंगा, इतना यज्ञ करूँगा, इतना पाठ करूँगा, कहने की कुछ से कुछ किसी भी कर्म से नहीं हो सकता, वो सब में अहंकार है, समर्पण नहीं है। तो तुम प्रीत मना वाला हो, प्रीत मना वाला होकर के उस मेरे कौन सा स्वरूप, इदम रूपम पुनः प्रपश्य, हे प्रीत मना अर्जुन, प्रेम प्रीति मन वाला होकर के तुम पुनः उसी भाव में युक्त हो जाओ जो पहले वाले प्रेम भाव में थे, उसी भाव में युक्त होकर के अब तुम इदम रूपम प्रपश्य, फिर भगवान ने वो रूप हटा दिए, जो विश्व रूप था वो हटा दिए, और सामान्य रूप में जो भगवान सारथी के रूप में थे अर्जुन के, सखा के रूप में, मित्र के रूप में, वसुदेव के पुत्र के रूप में, वो रूप भगवान ने धारण कर लिया। फिर इसीलिए कहा भगवान ने इदम रूपम पुनः प्रपश्य, पुनः इस रूप को देखो प्रपश्य। अब इसके बाद संजय वाच, फिर अब संजय धृतराष्ट्र को कह रहा है, इति अर्जुनम वासुदेव तथोक्त्वा स्वकम रूपम दर्शयामास भूयः, आश्वास्यामास च भीतमिनम भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा। कहने के वासुदेव अर्जुनम इति उक्त्वा, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति ऐसा कह करके कि चिंता मत करो, भय से रहित हो जाओ और पुनः मेरे सौम्य रूप को देखो। तो इदम रूपम प्रपश्य इति उक्त्वा, ऐसा कह करके अर्जुन संजय कह रहा है कि भगवान के द्वारा अर्जुन के प्रति ऐसा वचन कह करके भूयः तथा फिर क्या किया, स्वकम रूपम दर्शयामास, अपना वही पूर्व रूप दिखाया जो सामान्य रूप पहले था, गीता उपदेश से पहले भगवान का जो रूप था, या गीता उपदेश के समय भी जब तक विश्व रूप दर्शन नहीं था तब तक जो भगवान का रूप था वही रूप दर्शयामास दिखलाया। और पुनः महात्मा सौम्य वपुः भूत्वा एनम भीतम आश्वसयामास, आश्वासयामास, करके पुनः महात्मा भगवान श्री कृष्ण, उनको महात्मा सबसे संबोधित कर रहा है संजय कि पुनः महात्मा श्री कृष्ण सौम्य वपुः, सौम्य वपु, वपु शरीर को बोलते हैं, सौम्य शरीर जो वह पहले वाला शरीर था जिसमें कोई डर नहीं था, न हजार हाथ है, न पैर है, न पेट है, न उस प्रकार के बड़ी बड़ी दाढ़े हैं जिससे सब पीसे जा रहे हैं, वो वाला भयानक रूप हटा करके जो सौम्य रूप मनुष्य रूप था उस रूप में भूतवा होकर एनम भीतम, ये जो अर्जुन भयभीत है अर्जुन को धीरज बंधाया, धीरज धारण करवाया, ये एक वचन संजय का है। फिर अर्जुन कह रहा है, अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। अर्जुन कह रहा है कि हे जनार्दन, तव इदं सौम्यं मानुषं रूपं दृष्ट्वा, आपके इस सौम्य मानुष रूप को देख करके, क्योंकि अभी तो विश्व रूप दिखाया था, अब सौम्य मानुष रूप में भगवान आ गए हैं, इस मानुष रूप को देख करके इदानीम सचेतः संवृतः, मैं जो है अब सचेत हो गया, मेरा चित्त स्थिर हो गया है, मैं प्रसन्न चित्त हो गया, जब डर लग रहा था उसको वह डर निवृत्त हो गया, सचेत हो गया, चित्त स्थिर हो गया, जो चित्त चंचल था, व्याकुल था, भयभीत था,
चित्त प्रसन्न चित्त हो गया, स्थिर चित्त हो गया। इसलिए कहा अर्जुन ने कि सचेता संवृत, मैं सचेत हो गया, मेरा चित्त स्थिर हो गया है, शांत हो गया है, प्रसन्न हो गया है। तो सचेता संवृत अस्मि, और फिर क्या कहा, प्रकृतिम गतः, मैं अपने प्रकृति यानी कि स्वभाव को प्राप्त कर लिया। अब जो मेरा स्वभाव था पूर्व वाला स्वभाव, उस स्वभाव को मैं प्राप्त करा, मैं भयभीत नहीं, क्योंकि क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय को भय शोभा नहीं देता, इसलिए भय रहित जो स्थिति क्षत्रियों की थी वो स्थिति को मैं पुनः प्राप्त करा, मैं भयभीत नहीं हो रहा हूँ। उसी अपने प्रकृति जो स्वाभाविक मेरी प्रकृति है, शास्त्र प्रकृति जो है, क्षत्रियों की जो प्रकृति होती है, उस प्रकृति को मैं गतः यानी कि प्राप्त कर चुका हूँ। तब पुनः भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच, सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्ट्वा नशयन् मम देवायप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। भगवान कह रहे हैं कि देखिए, मम यत् रूपं दृष्ट्वान् असि, जो मेरा ये रूप तुमने देखा, इदं सुदुर्दर्शम, यह जो है बहुत ही दुर्लभ है। सुदुर्दर्शम, दुर्दर्श है यानी कि दुर्लभ है, और कैसा, बहुत ही दुर्लभ है। सुदुर्दर्शम, तो सुदुर्दर्शम है मेरा ये रूप, बड़ा ही दुर्लभ है, और ऐसा दुर्लभ है कि देवाह अपि नित्यम अस्य रूपस्य दर्शन कांक्षिणः, देवता लोग भी इस रूप के लिए हमेशा निरंतर दर्शन की आकांक्षी रखते, आकांक्षा रखते हैं कि ये रूप दर्शन हो जाए भगवान के, क्योंकि इस भगवान के रूप के दर्शन करने से ये जितने भी शारीरिक और जगत के आकर्षण है वो सारे निवृत्त हो जाते, क्योंकि जब तक भगवान का वो रूप नहीं दिखता तब तक जगत में आकर्षण रहता है, क्योंकि अलग कोई लोक नहीं है, अलग कोई स्थिति, यही सब कुछ है ऐसा लगता है, इस कारण से व्यक्ति इसमें लिप्त होता है। और जैसे ही विश्व रूप दर्शन हो जाता है फिर व्यक्ति के इस संसार के अनश्वरता का, ये संसार के नश्वरता का ज्ञान हो जाता है, और नश्वरता का ज्ञान होने से फिर उसको वैराग्य हो जाता है, फिर कहता है कि वास्तव में तो भगवान ही सब कुछ है, इसलिए विरक्ति होती है। और देवता लोग विरक्त नहीं होते, देवता लोग जो है आसक्त रहते हैं भोगों में, इसलिए उनको भी इच्छा तो होती है कि एक बार देख लें तो हमारा भी वैराग्य हो जाए, लेकिन सब नहीं कर पाते। इसलिए भगवान ने स्तुति की कि ये जो तुमने रूप देखा ये बड़ा ही दुर्लभ रूप है, देवता लोग भी नित्य आकांक्षा करते हैं कि एक बार देखने को मिल जाए, फिर भी नहीं मिलता है, और वह रूप तुम्हें प्राप्त हो गया सहज ही। और क्यों, क्योंकि देवता आदि लोग देवता कैसे बनते हैं, तो उसके लिए कह रहे हैं, ना हम वेदैर् न तपसा न दा, ना हम वेदैर् न तपसा न दानेन च यज्ञया न च यज्ञया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्ट्वा न सीमाम यथा। कहने की, क्योंकि देवता लोग अधिकतर क्या कहते हैं, वेदों के द्वारा, विदुक्त कर्म के द्वारा, तप के द्वारा, दान के द्वारा, यही करके देवता बनते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, और मैं इस सबसे प्राप्त होता ही नहीं, क्योंकि यथा माम दृष्टवान असि, जिस प्रकार से तुमने मेरा ये रूप देखा है, यह मेरा रूप एवं विधा रूप एवं विधम, इस एवं विधा, इस प्रकार से जो तुमने मेरे को देखा, अहम न वेद ही न तपसा न दाने न, इस प्रकार के स्वरूप का दर्शन न वेद से, वेद अध्ययन से पहले ही बता दिया, उसके भी और कह रहे हैं, न वेद ही, न वेदों के अध्ययन से, न वेदों के द्वारा, न तपसा, न तप के द्वारा, न दाने न दान से प्राप्त हो सकता है, और न यज्ञया, न यज्ञ से, किसी प्रकार के अग्निहोत्र से, और अग्निहोत्रम जो या स्वर्ग कामः, स्वर्ग जाने के लिए देवता, क्या देवता प्राप्त करने के लिए या देवता बनने के लिए या स्वर्ग जाने के लिए क्या होता है, यज्ञ किया जाता है, अग्निहोत्र के, अग्निहोत्र आदि के द्वारा देव भाव को प्राप्त किया जाता है, देवलोक को प्राप्त किया जाता है। तो भगवान करके इनके द्वारा तो मैं प्राप्त ही नहीं हो सकता, इसलिए देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, तो द्रष्टुम न शक्य, इस प्रकार से मैं देखे योग्य नहीं हूँ, और सब देवता इसी में लगे रहते हैं और इसी प्रकार से देवता बंधे, इन कारणों से मैं देखा नहीं जा सकता। फिर कैसे देखे जा सकते हैं, प्रश्न उठता है कि कैसे देखे जा सकते हैं, तो भगवान कह रहे हैं, भक्त्या त्वदनन्याशक्य अहमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परंतप। कह रहे हैं
कि हे परंतप अर्जुन, हे शत्रुओं को तपाने वाला दुख देने वाला अर्जुन, अनन्या भक्त्या, अनन्य भक्ति के द्वारा, न अन्या भक्ति यस्याह स अनन्या भक्ति, तो करेंगे जिसको जिसका अन्य भक्ति किसी में ना हो, यानी कि भगवान से अतिरिक्त करें, भगवान के मेरे से अतिरिक्त किसी की किसी पदार्थ में भक्ति ना हो, प्रीति ना हो, ऐसे अनन्या भक्ति के द्वारा मैं प्राप्त होता हूँ। यानी कि भक्ति क्या है? प्रेम है, सात्वस्मिन परम प्रेम रूपा, अथा तो भक्ति व्याख्या से आम सात्वस्मिन परम प्रेम रूपा, नारद भक्ति सूत्र में कहा। भक्ति क्या है? परम प्रेम रूपा है। तो वह प्रेम रूपा जो भक्ति है, वह प्रीति जो है, वह किसी अन्य से ना होकर के केवल मेरे से, मेरे अतिरिक्त और उसका कोई ना हो प्रीति करने वाला, किसी से प्रीति ना हो, ऐसे अनन्य भक्ति से। आगे भगवान कहेंगे, मई चानन्य योगे न भक्ति रव्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी भक्ति, व्यभिचारिणी भक्ति भी होती है और एक अव्यभिचारिणी भक्ति। व्यभिचारिणी भक्ति मतलब वो जो बदलने वाला होता है, व्यभिचार शब्द का तात्पर्य होता है बदलने वाला, जो बदल रहा है, और अव्यभिचार का मतलब जो स्थिर है। व्यभिचारी व्यक्ति इसको बोलते हैं जो बदल रहा है, अपना धर्म से हिल रहा है, कभी इस धर्म पर कभी इस धर्म पर, तो जो बदलने वाला होता है उसको व्यभिचारी बोलते हैं। और भक्ति भी बदलने वाली होती है, कभी किसी से भक्ति, कभी किसी से भक्ति, बार बार भक्ति बदल जाती है। इसलिए ऐसे भक्ति से भगवान प्राप्त नहीं होंगे। कभी तो राम जी की पूजा करेंगे बिल्कुल इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, फिर हनुमान जी के पास जाएंगे उससे भी नहीं लगेगा, अब शिव जी के करते हैं, सावन आ गया, तो करेंगे इस प्रकार से उनकी भक्ति बदलती रहती है। ऐसी भक्ति से प्राप्त में नहीं होता, स्थिर होनी चाहिए भक्ति मेरे में, दृढ़ होने चाहिए कि आप ही सर्वस्व हैं, सब आप ही हैं और आप ही सर्वस्व हैं, सब नाम रूप में आप ही हैं, कोई भेद नहीं है। इसलिए एक जगह अपने भक्ति को दृढ़ कर दे, एक नाम एक रूप में भक्ति को दृढ़ कर दे और फिर कभी बदले ना, आजीवन उसी में रमण करे। तो इस प्रकार से भक्ति हो उसको अनन्य भक्ति कहते। तो भक्त्या तो अनन्या, अनन्या भक्त्या एवं विध अहम द्रष्टुम तत्वेन ज्ञातुम च प्रवेष्टुम च शक्यः। करेंगे इस प्रकार की यदि भक्ति हो जाए, अनन्य भक्ति हो जाए, तो ऐसी अनन्या भक्ति के द्वारा मैं देखा भी जा सकता हूँ, द्रष्टुम तत्वेन ज्ञातुम, और तत्वतः जाना भी जा सकता हूँ, देखना जानना और उसमें प्रवेश करना, तीन चीजें भगवान ने बताई। यानी कि अनन्य भक्ति हो जाए भगवान से, तो उस भक्ति के द्वारा करें कि भगवान शास्त्र आदि के द्वारा जो भगवान के शुद्ध स्वरूप है उसको जानने में भी समर्थ हो सकता है कोई व्यक्ति, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है। यदि भगवान का कोई भक्त न हो तो शास्त्र पढ़ लेने के बाद ही भगवान के वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाए, ये जरूरी नहीं है। शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होगा, शास्त्र पढ़ करके भी सही सही तात्पर्य नहीं निकल सकता जब तक से भगवत भक्ति न हो, भगवान में प्रीति नहीं, भगवान में भक्ति न हो, तो उस भक्ति के अभाव में शास्त्र पढ़कर के भी वो गूढ़ अर्थ भगवान के संदर्भ में नहीं निकाला जा सकता, जो वास्तविक तात्पर्य है शास्त्र के वो नहीं निकल सकता। और भगवान कहते यदि भक्ति हो मेरे में, प्रीति हो, तो वो प्रीति का फल है कि वो शास्त्र भी पढ़ेगा तो शास्त्र से भी वह जो तत्व है वो निकाल लेगा। या तुम शक्यः, वो जानने में भी समर्थ, शास्त्र आदि के द्वारा भी जानने में समर्थ हो सकता है, और दृष्टिम च शक्यः, और इन आँखों से देखने में समर्थ हो सकता है, उसको दिव्य दृष्टि भी प्राप्त हो जाएगी, और उन दिव्य दृष्टि से प्राप्त, उस दिव्य दृष्टि को प्राप्त करके और फिर इस विश्वरूप ये विराट स्वरूप को देख भी सकता है। तो ज्ञातुम द्रष्टुम तत्व सब सब में जुड़ेगा, तत्वेन ज्ञातुम, तत्वेन द्रष्टुम और तत्वेन प्रवेष्टुम शक्यः, और तत्वतः उसमें प्रविष्ट कर सकता है। प्रविष्ट का मतलब कि मेरे में प्रविष्ट होकर के, एकात्म होकर के मद्भाव को प्राप्त हो सकता है, यानी कि अंततः मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से मेरी प्रीति के द्वारा वह जानने, देखने और उसमें साथ एकात्म होने में समर्थ हो जाता है, ये भक्ति की महिमा है। और बिना भक्ति के केवल घटपट करते रहने से, शास्त्र में मत्था खपाने से कुछ नहीं होगा, भक्ति होनी चाहिए तब जाकर कुछ लाभ हो सकता है। इसलिए भगवान अब अंतिम में उपसंहार कर रहे हैं कि भक्ति कैसी हो, किस प्रकार से हो जाओ तुम, इस प्रकार से हो जाओगे
तो ये विश्वरूप दर्शन तो हो गया, परंतु विश्वरूप दर्शन से मुक्ति हो जाए कोई जरूरी नहीं है। इसके बाद प्रवेश करना है, यानी कि एकात्म होना है ईश्वर के साथ, भगवान के साथ एकात्म होना, जीव और ब्रह्म की ऐकता प्राप्त करनी है, उसी से मुक्त होगा। ये तो ज्ञान नहीं हुआ है, तो भगवान के स्वरूप का दर्शन हुआ है, विश्वरूप दर्शन हुआ है। ये विश्वरूप दर्शन जो है वह वैराग्य को बढ़ाता है, और वैराग्य के द्वारा फिर तत्व ज्ञान होता है, आत्म साक्षात्कार होता है। वो आत्म साक्षात्कार जो है, मैं देह से भिन्न हूँ, मैं साक्षात भगवान का अंश हूँ, ये अनुभव समाधि के द्वारा होता है, और वो तत्वज्ञान को भी धीरे धीरे प्राप्त कर लेता है व्यक्ति। इसलिए भगवान ने कहा कि कैसे हो जाओ, तो मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। भगवान कहने के इसलिए अर्जुन, जो व्यक्ति मत कर्म कृत मत परम मत भक्त, तीन चीज भगवान ने बताया, तीन ही चीज नहीं और आगे भी बताए, लेकिन हम मत शब्द से जोड़कर बता रहे हैं। मत कर्म कृत, मत कर्म यानी कि मदर्थम कर्म मत कर्म, मेरे लिए जो कर्म होता है वो उसको मत कर्म बोलते हैं, और ऐसा मत कर्म जो करता है वो मत कर्म कृत हो गया। मेरे लिए काम करने वाला जो व्यक्ति, मेरे लिए काम करने वाला होता है, कई प्रकार के लोग होते हैं, कई प्रकार से काम करते हैं, कोई सरकार के काम करते हैं, कोई विभिन्न संस्थाओं के काम करते हैं, और कुछ जो है आपराधिक प्रकृति के लोग वो जो है गलत ही काम करते हैं, किसी और के एजेंडे में लगे रहते हैं, कुछ जो है विदेशों के काम में लगे रहते हैं, विदेशों के कुछ अपने स्वार्थ होते हैं, उन विदेशियों के स्वार्थ सिद्धि के लिए विदेशों के लिए काम करते हैं। तो सब व्यक्ति अनेक प्रकार से काम करते हैं, कोई किसी के लिए काम कर रहा है, कोई किसी के लिए काम कर रहा है। भगवान कर लेंगे हमारे लिए काम करो, हमारे लिए काम करो, मत कर्मकृत, यानी कि जो व्यक्ति हमारे लिए काम करता है मत कर्मकृत, उसे मत कर्मकृत कहते हैं, मदर्थम कर्मकृत, मेरे लिए काम करने वाला होता है जो, और मत परमः, काम करने वाला हो लेकिन वो मत परम हो ये जरूरी नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति किसी के लिए काम कर रहा हो, किसी व्यक्ति के लिए काम कर रहा हो, किसी संस्थान के लिए काम कर रहा हो, जैसे राजा के लिए भी नौकर काम करते हैं, सरकारी लोग काम करते ही हैं, तो सरकारी नौकर जो है वो सरकार के काम करते हैं, लेकिन सरकार ही उसके लिए परम है, अंतिम है, सरकार के अतिरिक्त उसके लिए और कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता। वो काम करते हैं सरकार के, लेकिन पीठ पीछे गाली भी देते, क्या करे, करना पड़ता है, काम करते हैं सरकार की लेकिन श्रद्धा नहीं होती उनकी सरकार में, काम करते हैं किसी संस्थान की लेकिन मजबूरन करते हैं, श्रद्धा नहीं होती। ये संस्थान ही सर्व कुछ है, ये व्यक्ति ही मेरा सर्वस्व है, मरने के बाद भी यही मिले बार बार, इस प्रकार की भावना नहीं होती।